आपके अपने YouTube चैनल NAS एजुकेशन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 हल करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमें दिया है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, 3x प्लस y बराबर 1 या 2k माइनस 1 x गुणा में प्लस k माइनस 1 y गुणा में बराबर 2k प्लस 1 कि हमें क्या बताना है कि k का मान प्राप्त करना है और निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जब इन रैखिक समीकरणों का कोई हल ना हो तब k का मान हमें प्राप्त करना है। इन दोनों रैखिक समीकरणों का अगर कोई हल ना हो तब k के हमें मान प्राप्त करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिए गए समीकरण तीन एक्स प्लस वाई बराबर 1 तथा दूसरा रैखिक समीकरण युग्म 2k प्लस 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1 लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। करने पर 3x प्लस y, ये प्लस का बन जब इधर आएगा तो माइनस का बन हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1, इसी तरह दूसरा जो समीकरण युग्म हमें दिया है उसको भी ऐसे ही व्यवस्थित करेंगे। तो 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, ये आपका ऐसे का ऐसे ही, ये प्लस का है 2k प्लस 1, जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2k प्लस 1 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 की, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे तब a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 1। देखिए a1 बराबर प्लस का 3, b1 बराबर यहाँ देखिए y का गुणांक कुछ नहीं है इसलिए 1 मान लिया जाता, तो b1 बराबर 1 और इसी प्रकार c1 का मान माइनस का 1 है यहाँ पर तो बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे समीकरण 2 की तुलना भी करेंगे। लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करेंगे तब a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर माइनस 2k प्लस 1। तब a1 बटा a2 बराबर a1 का मान हमने प्राप्त किया है 3, a2 का मान है 2k माइनस 1। इसी प्रकार b1 बटा b2 का मान b1 का मान 1 और b2 का मान k माइनस 1 और इसी प्रकार हम क्या c1 बटा c2 का मान भी प्राप्त करेंगे। तो c1 का मान माइनस का 1 और c2 का मान माइनस 2k प्लस 1 लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्योंकि प्रश्न ने जो हमसे कहा है उसके अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार कोई हल ना होने की स्थिति में, जो प्रश्न में हमसे कहा था उसके अनुसार हम बात करेंगे। कोई हल न होने की स्थिति में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
बराबर नहीं सी वन बटा सी टू, तब ए वन का मान, ए वन बटा ए टू का मान तीन बटा दो के माइनस वन, तीन बटा दो के माइनस वन बराबर बी वन बटा बी टू का मान एक बटा के माइनस वन बराबर नहीं सी वन बटा सी टू का मान माइनस एक बटा माइनस दो के प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो बराबर नहीं है, इसको तो हम छोड़ देंगे, हम पहले और दूसरे भाग को लेकर के का मान प्राप्त करेंगे। देखेंगे पहले व दूसरे भाग के मान के लिए, लिखेंगे के मान के लिए, पहले व दूसरे भाग से, पहले व दूसरे भाग से, पहला भाग है हमारा तीन बटा दो के माइनस वन, दूसरा भाग है एक बटा के माइनस वन। इसकी हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तीन की के में करेंगे तीन के, प्लस माइनस माइनस तीन इकन तीन बराबर, दो के माइनस वन की एक में गुणा करेंगे, दो के माइनस वन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तीन के ऐसे का ऐसे ही, ये दो के प्लस का इधर आएगा माइनस का दो के, ये माइनस का तीन है उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का एक ऐसे का ऐसे ही, और ये माइनस का तीन जब इधर आएगा तो प्लस का तीन हो जाएगा, तीन के में से दो के घटाएंगे तो एक के आएगा, माइनस का एक में से प्लस का तीन, प्लस के तीन में माइनस का एक घटाएंगे तो प्लस का दो बचेगा। इस तरह से हमें के का मान प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सकें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।